हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने ये साउंड क्वालिटी जरूर सुनी होगी इस पर्टिकुलर सेटअप की। तो उस टाइम पे मैंने बोला था गाइस कि इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी का बेस आपने आपको देखने को नहीं मिलता है जितना कि एक बैंड पास में होना चाहिए। तो आज उसी को लेकर मैं भीड़ से दूसरा वीडियो बना रहा हूँ पुराने बिल्ड को मॉडिफाई करने वाले, वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा अंदर से सेटअप था पूरा। तो इसमें हमने मॉडिफाई क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर हमारा 6 इंच का गैप है, इधर आप लिखा भी देख पा रहे होगे, तो 2-2 इंच छोड़ के मैंने एक कट लगाए है 8-8 mm के। और उसी प्रकार से इधर 2 सपोर्ट के लिए 2-2 स्ट्रिप लगा दिए दोनों साइड। अब हम इसका करने क्या वाले, जो हमारा फ्रंट का पूरा एक पोर्शन था, तो ये देखिए गाइस इस प्रकार से कुछ लग रहे हैं। उसको मैंने इस 2 टाइप के हिस्सों में काट लिया है। इसके नाप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 12x12 के ये 2 पीस हमने लगाए थे, तो आपको इन दोनों को 12x9 या 12x8.5 इंच में काट देना है। तो देखिए गाइस इस प्रकार से हमारा लग जाएगा। अब इसको लगाने से क्या होगा गाइस, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अच्छी तरह से। तो ये देखिए गाइस, तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि जो हमने पीस लगाया था वो इधर थोड़ी जगह के साथ लगा हुआ है। ये वाला जो आप देख पा रहे होगे, इतना सा हमने गैप रखा है। उससे क्या होगा, जो हम हमारा सब ऊपर को इधर फिक्स करेंगे पूरा ऊपर की साइड दोनों की साइड, उससे जो हमारी एयर प्रोड्यूस होगी वो इस सर्कल से होते हुए इसमें जाएगी और बाद में इससे होके इधर से हमारी दोनों सब ऊपर की एयर निकल के आने वाली। इसमें 2 पीस हमारे और लगेंगे, ये देखिए, ये हमारे 11.5x12.5 के 2 पीस है। वो किस प्रकार से लगने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए, एक पीस हमारा इस तरह से, तो हमारा पूरा सेटअप कुछ इस प्रकार से बनेगा और इधर से हमारा एयर वेंट हो जाएगा। सब ऊपर को आपको इस तरह से रखना है कि इन दोनों के बीच में आ जाए, कहीं पे टच ना हो जाए, वरना आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, बाद में ऊपर के पोर्शन को फिक्स करेंगे और सब ऊपर को लगा के टेस्ट करेंगे कि किस प्रकार की अब इसकी बेस परफॉर्मेंस हो गई है। ये हमारे 2 पीस लग गए और दोनों साइड ही मैंने इसके सपोर्ट लगा दिए और अच्छी तरह से फेविकोल की हेल्प से फिक्स कर दिए। अब 2-2 पेयर वायर की मैंने दोनों ओर से निकाल लिए अच्छी तरह से, ताकि हमारा सब ऊपर फिक्स हो सके। तो चलिए मैं थोड़ा आपको क्लोज से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, इस प्रकार से तीनों ओर मैंने सपोर्ट लगा दिए और इधर से 2-2 पेड़ जो हमारी वायर की निकलने वाली थी वो। तो ये देख लीजिए गाइस, ये पूरा बिल्ड हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने क्या क्या किया, तो दोनों पीस हमारे लगा दिए, बाद में इधर से काफ़ी ज़्यादा खील लगाई है ताकि बिल्कुल भी एयर लीक ना हो, और जो पिछली बार हमें दिक्कत हुई थी साउंड में वाइब्रेशन के वजह से इसकी भी आवाज़ आ रही थी MDF की, वो अब बंद हो जाएगी। बाद में फेविकोल से मैंने अच्छी तरह से सभी कोनों को पैक कर लिया है और इधर भी मैंने अच्छी क्वालिटी के वायर निकल ली है। तो चलिए अब हम साउंड क्वालिटी को सुनते हैं और बाद में आप लगाए इसका अंदर। तो देखिए गाइस, सारे कनेक्शन हो चुके हैं, मैंने क्या किया वो दिखाता हूँ। तो इस बार मैंने डायरेक्ट ऑक्स केबल लगाने की जगह पर मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है। बाद में देखिए, इधर एक मैंने छोटा सा ट्वीटर कनेक्ट कर दिया ताकि जो हमारी वोकल की सेटिस्फेक्शन है वो भी पूरी हो जाए। तो चलिए अब हम सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी।
रे बन लाके गली तेरी गेड़ी मारे ऊपर चला के तो आपने सुनी इसकी साउंड क्वालिटी। यकीन मानिए गाइस, इस बार मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। इसका जो बेस परफॉर्मेंस है गाइस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। मैं अभी मेरे रूम में इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे रूम में जितने भी पत्रे या लोहे की चीज़ है वो पूरी वाइब्रेट हो रही है। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, आपको ये डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। यकीन मानिए, इसको कार में लगाने के बाद आपकी कार हिलने वाली है। मैंने इस एम्पलीफायर के साथ आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाई है। दोनों सबवूफर को एक साथ इसमें लगाया था, फिर भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल हमें साउंड क्वालिटी देखने को मिल रही थी गाइस। तो अगर आप इस एम्पलीफायर और इस सबवूफर को परचेस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो के साथ। Thank you.